दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस जो इन झारखंड में दोस्तों आज हम लोग झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता जो आपका 2017 में हुआ था उसी के संबंधित खोटा पेपर जो पूछा गया था उसके सौ प्रश्नों को मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप लोगों को मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों इस सीरीज़ के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड में किस प्रकार से जो खोटा का सिलेबस से प्रश्न पूछे जाते हैं किस प्रकार का खोटा है ग्रामर से जी एस प्रश्न पूछती है उसी संदर्भ में दोस्तों मैं आए दिन कोई ना कोई एक एग्ज़ाम को उठाता हूं उसके रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर डालते रहता हूं तो दोस्तों इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और रोज़ कहीं ना कहीं अलग अलग जो एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रश्न पत्र को आप लोगों के बीच लेकर के आऊँ हल समेत ठीक है तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आज की हमारी पहली प्रश्न जो है वह है आपका नदी नाला कैसन शब्द लागे तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है नदी नाला कैसन शब्द लागे ऑप्शन ए सहचर शब्द ऑप्शन बी समासिक शब्द ऑप्शन डी उल्टा शब्द माफ कीजिएगा ऑप्शन सी उल्टा शब्द ऑप्शन डी एकर में कोई नहीं तो इसका है सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहचर शब्द ठीक है नदी नाला जो है आपका सहचर शब्द है अगली प्रश्न जो पूछा गया था वो था आपका अंधार का उल्टा अर्थ हवे है बिहान अनगुत इंजोर या फिर रात तो देखिए आप सबको पता है कि अंधार का जो उल्टा शब्द है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंजोर ठीक है अंधेरा अंधार मतलब हो गया अंधेरा और इंजोर मतलब हो गया दोस्तों उजाला ठीक है आप सभी को याद रखना है खोट्ठा में उजाला को इंजोर कहा जाता है ठीक है अगली प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों वो था आपका उपसर्ग का प्रयोग शब्द कहाँ करल जाए देखिए दोस्तों मैं हर वीडियो पे कहता हूँ कि आपका ग्रामर से हो चाहे आपका क्योंकि खोट्ठा का सिलेबस उतना बड़ा है नहीं जिस कारण से एक सेट आप लोग मारिएगा तो दूसरे सेट में आप लोगों को कम से कम पंद्रह से बीस क्वेश्चन ऐसा लगेगा क्वेश्चन रिपीट हुआ है ठीक है इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं सबको आप लोग देख लीजिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एग्जाम हॉल में आप लोगों का बीस से पच्चीस क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा इसीलिए आप लोग जो है जितना भी हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टारगेट करें ठीक है तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि उपसर्ग का प्रयोग शब तक कहाँ करल जाए शब तक आगू सब पेछू सब माझे या फिर शब तक बाधे तो इसका सही आंसर अच्छा है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शब्दक आगो ठीक है अगली प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों जेठानी शब्द के पुलिंग बतावा जेठ देवर देवरी या फिर ससुर तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जेठानी कर पुलिंग शब्द जेठ ठीक हो अगली प्रश्न है कौन उल्टा अर्थक संगे मिलल है कादो किचर टोपरा डावर सकर डाट ऑप्शन नंबर डी है सब तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा सकत डांट ठीक है अगली प्रश्न है रेखा नदी झारखंड एक सौ बड़ नदी है एकर में कौन संज्ञा है जातिवाचक व्यक्तिवाचक समूहवाचक या फिर गुणवाचक तो देखिए दोस्तों स्वर्णरेखा नदी क्योंकि यहां पे व्यक्ति का बोध हो रहा है किसी व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा जा रहा है तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा ठीक है अगली प्रश्न है बालपन शब्द कौन संज्ञा प्रयोग हवे हैं जातिवाचक व्यक्तिवाचक भाववाचक और द्रव्यवाचक तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक ठीक है भाव का बोध हो रहा है बालपन शब्द में भाव का बोध हो रहा है इंसान का तो ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा ठीक है अगली प्रश्न है दोस्तों लोटा डोरी कौन समास कर प्रयोग करल गेल है तो तो इन सबके बतावे हो कि लोटा डोरी है कौन समास प्रयोग करल गेल है ठीक है दिघु समास तत्पुरुष आपका अव्ययभावी समास या फिर आपका द्वंद्व समास तो देखिए दोस्तों लोटा डोरी जो है इसमें आपका द्वंद समास का प्रयोग किया गया है ठीक है याद रख लीजिएगा लोटा डोरी में द्वंद समास का प्रयोग किया गया है अगली प्रश्न है पनिया बड़ी धीपल है वाक्य धीपल शब्द का अर्थ बतावा ऑप्शन नंबर ए हल्का पानी ऑप्शन नंबर बी कणकन पानी ऑप्शन नंबर सी गंदा पानी या फिर ऑप्शन नंबर डी गर्म पानी तो दोस्तों तो खोठा में धीपल का अर्थ होता है गर्म ठीक है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब अगली प्रश्न है अधपेंद्रा मुहावरक सही अर्थ बतावा ऑप्शन नंबर ए है काम के पूरा करक ऑप्शन नंबर बी है काम के ऑप्शन नंबर सी है काम के आधा ऑप्शन नंबर डी है ये सब है तो देखिए दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काम के आधा करक ठीक है खोटा का मतलब काम के आधा करक अगली प्रश्न है प्रश्न संख्या ग्यारह अन प्रत्यय से बनल शब्द के पहचान करा अनगुत अनकुर अनका ऑप्शन नंबर डी एकर में ही सब है तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सब है ठीक है अनगुत भी हो जाए तो अंकुर भी हो जी तो अनका भी हो जी तो अगली प्रश्न है चिकन मुहा मुहावरक अर्थ की होवे है जोकर मुँह बेस है जोकर मुँह चिकन है बेस खाए खोजे वाला एकर में कोई नहीं इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बेस खाए खोजे वाला प्रश्न संख्या तेरह पूछा गया था विद्वान के खोठा कहल जाए है बुधगर मुरुख में कोई ना है तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बुधगर देखिए दोस्तों खोठा एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप लोग अगर समझ के कीजिएगा तो इसमें हमको मतलब पूरा पूरी उम्मीद है कि आप लोग नब्बे से पंचानवे को एग्जाम हॉल में करके निकलिएगा ठीक है खुट्ठा एक ऐसा शब्द है अगर आप लोग खोट्ठा भाषी क्षेत्र से हैं खोटा अगर बोलते हैं खोट्ठा का प्रयोग करते हैं तो आप लोगों को खुट्ठा के प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ठीक है वहीं अगर आप लोग खोट्ठावासी क्षेत्र में से नहीं है फिर भी आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा तो एट्टी प्लस तो आप लोग आराम से कीजिएगा अगले प्रश्न पूछा गया था जे शब्द संज्ञा और सर्वनाम कर गुना भाग बतावे है ओकरा कहल जाए क्रिया विशेषण सर्वनाम या फिर अव्यय तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विशेषण ठीक है अगली प्रश्न है दोस्तों दुबटिया शब्द कौन समासक प्रयोग हवे है ऑप्शन नंबर ए समास ऑप्शन नंबर बी ध्वंस समास ऑप्शन नंबर सी अभ्य भाव समास ऑप्शन नंबर डी एकर में क्यों नहीं तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिगू समास ठीक है सौ गो प्रश्न है दोस्तों चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं वीडियो काफी लंबा बन जाता है सर्वनाम के कई गो भेद है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी छो ठीक है अगली प्रश्न पूछा गया एकर में कौन महाप्राण धनी है ओकरा पहचान करा तो महाप्राणी तो के पहचान करे खो तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ख और घ जो है आपका ये आपका महाप्राण धनी है ठीक है खोटा बहुवचन बनावे खातिर शब्द के बाद जोड़ल जाए ऐन वैन गैन ऐन गाइन पाइन ये सब है तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आइन बइन ठीक है अगली प्रश्न है दोस्तों खोटा शब्द गोटा कर उल्टा अर्थ हवे है छोटा मोटा लोटा या फिर खुचरा तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी खुचरा ठीक है अगली प्रश्न रौद के उल्टा हुए छाइहर बदकल हदकल या फिर एक में कोई नहीं तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए छाइर ठीक है अगली प्रश्न है दोस्तों वर्ण दूसरा और चौथा वर्ण के कहल जाए महाप्राण अल्पप्राण घोष या फिर इस सब है तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महाप्राण ठीक है अगली प्रश्न पूछा गया था संगे संगे रहे कोई घरे नहीं पारे कोई धरे नहीं पारे बुझवल के अर्थ है मन छाइर देह या फिर आत्मा तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छाया ठीक है आपकी जो छाया है आपकी जो परछाई है आपके साथ साथ ही रहती है लेकिन आप लोग इसको पकड़ नहीं पाते हैं ठीक है अगली प्रश्न है दोस्तों खोटा वर्णमाला है कई गो हस्वर वर्ण है तीन गो पांच गो पंद्रह या फिर आठ गो तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तीन गो ठीक है अगली प्रश्न है लेरु कर सही बहुवचन हत्या माफ कीजिएगा ठीक है अगली प्रश्न है दोस्तों लेरू कर सही बहुवचन की हत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लेरुआइन ठीक है लेरू प्लस आइन आपका हो जाएगा लेरुआइन खोटाएं कई गो स्वर वर्ण कर प्रयोग हवे है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आठ गो ठीक है खोटा भाषाएं सौ के अवजी शब्द आवे है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है अगले प्रश्न पूछा गया था पठियार शब्द के पुलिंग रूप की हवे है तो आप सभी को बताना है पठियार शब्द का जो पुलिंग रूप है वो क्या हो जाएगा वो जाएगा दोस्तों ठीक है अगली प्रश्न है दोस्तों बाता-बाती पैदे कौन समासवी समास दिघु समास, समास तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अव्यय भावी समाज ठीक है अगली प्रश्न जो है बे उपसर्ग से बनवल खोटा शब्द लागे बेलूरा बेसार बेतुक एकर में कोई नहीं तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बेलूरा ठीक है अगली प्रश्न है दोस्तों एकर में कौन शब्द खोटा शब्द लागे भिनसार अजवायर बिहान या फिर सब है तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अजवायर लोक गीत कर माने हवे हैं फिल्मी गीत आधुनिक गीत जे गीत आदिकाल से चले आये रह या फिर इस सब है देखिए दोस्तों लोकगीत का मतलब होता है जो गीत आदिकाल से पुरखों से हमारे दादा परदादा से हम लोग सुनते आ रहे हैं जिसके रचयिता का कोई हमें अता पता नहीं होता है ठीक है वो होता है लोकगीत ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब अगली प्रश्न है लोक कथा ककरा कहल जाए व्यक्ति व्यक्तिगत लिखल कथा जेकर रचनाकार के पता नहीं चले है शिष्ट कथा या फिर एक में कोई नहीं तो इसका भी सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जेकर रचनाकार के पता नहीं है अगली प्रश्न पूछा गया था करम झूमर कैसन गीत लागे पर्व त्योहार गीत मौसमी गीत या फिर आपका संस्कार गीत या फिर ये सब है तो उसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक पर्व त्यौहार की ठीक है सोहराय कौन महीना है मनावल जाए तो इन सबके बतावे को सोहराय कौन पहना है मनावल जाए तो एक सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कार्तिक महीना ठीक हो अगली प्रश्न हो खोठाई सोहराय गीत के कहल जाए चंचय गीत झुमर गीत बिहार गीत या फिर बारमसिया गीत तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गीत ठीक है अगली प्रश्न जो पूछा गया था एकर में कौन था खोटा लोक कथा लागे गई धनक गर्भ बामन और भूत दुयो या फिर एकर में कोई नहीं ना दोस्तों खोटा लोक कथा धनक गर्भ और बामन और भूत दोनों है ठीक है याद रख लीजिएगा ये दोनों जो है खोटा लोक कथाएं अगली प्रश्न पूछा गया है दोस्तों करम पर्व है कौन गाच कर पूजा जाए सराय गाच करम गाच पीपर गाच या फिर भोर गाच ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करम गाच ठीक है अगली प्रश्न है बावड़ी परब कौन महीना मनावल जाए मनावल जाए ये भी एक आसान सी प्रश्न है इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पूछ महीना ठीक है अगली प्रश्न है दोस्तों मकर संक्रांति कर समय कौन पर्व मनावल जाए शहुहराय टूसू फुल खोसी या फिर देसावली तो ये भी एक आसान सी प्रश्न है दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी टूसू पर्व ठीक है अगर आप लोग खासफुल क्षेत्र से हैं या फिर पंचप पंचपरगणिया क्षेत्र से हैं तो देखते होंगे कर्म पर्व के टाइम आप कीजिएगा मकर संक्रांति के टाइम जो है टूसू पर्व काफ़ी जो है इधर प्रचलित है टूसू पर्व में दोस्तों होता क्या है कि लकड़ी की बांस की जो है छोटे छोटे डाली बनाई जाती है जिसको कलरफुल पेपर से सजाया जाता है और गांव की जो अविवाहित लड़कियां होती है गीत गाते गाते सुबह जाती है और नदी में जा करके के टूसू को जो है विसर्जित कर देती है ठीक है अगली प्रश्न है करम पर्व में कौन फूल पूजा करल ला है कर्म फूल गुलची फूल धान फूल या फिर सालुक फूल तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी धान फूल ठीक है अगली प्रश्न है बिहार गीत कैसन गीत लागे ऋतु संबंधी गीत धार्मिक गीत मौसमी गीत या फिर संस्कार गीत तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी संस्कार गीत ठीक है अगली प्रश्न पूछा गया था लोक कथा धानक गौरव कर मुख्य पात्र नाम बताया तो इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिमटू ठीक है अगली प्रश्न पूछा गया था लोककथा कोआ आर गुदुपुचू कैसन कथा लागे ऑप्शन नंबर ए शिक्षा दिए वाला ऑप्शन नंबर बी मनोरंजन वाला ऑप्शन नंबर सी दुई हो तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दुई हो ठीक है अगली प्रश्न जो पूछा गया था आंगन कादाकरक माने की हवे है आंगन कादा करक पेट भर खाए घूर 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 घुर आवे एक में कोई नहीं तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी घूर घूर के आवे ठीक हो अगली प्रश्न पूछा गया था जरल उपरे नूने छिटा की अर्थ हवे है घावे नून गिराए घावे नून छीटे दुखे इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दुखे आरो दुख ठीक है अगली प्रश्न पूछा गया था प्रश्न संख्या फोर्टी सिक्स चरका कूटे ललका चरका ललका उकसावे अर्थ अरथ दांत और जीव हाथ और गोड़ धेकी सब है तो इसका सही आंसर दोस्तों दांत और जीव ठीक है चरका कूटे ललका उकसावे ठीक है अगली प्रश्न है दोस्तों तो सा ब्लर हो गया है लोकक्ति के खोठा कहल जा है लोकवाइन मंतर पटतर सभे तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है लोकवाइन ठीक है केकरा लोकगीत कर रुपये पहचान गए है बिहार गीत करम गीत दुयो एकड़ में कोई नहीं तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुयो ठीक है अगली प्रश्न पूछा गया था लोकगीत के केकर संपत्त मानल गया है गोटे समाज कर गोटे संसारक गोट... कोई एक एकन लोक या फिर ई सब है तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गोटे समाज कर ठीक हो अगली प्रश्न है छ नृत्य लोक साहित्य कर कौन भाग लागे लोक लोकनाटक दुयो या फिर ई सब है या फिर इनमें से कोई नहीं माफ कीजिएगा तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाटक ठीक है अगली प्रश्न है बापे दिलक एक माये देलेक बेर माए बेर बेर बुझवल कर अर्थ है तो आप सभी को बताना इसका अर्थ अर्थ क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा जाएगा तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सिंदूर ठीक है अगली प्रश्न है शिष्ट साहित्य कर जननी कैकड़ा मानल गया है संस्कृत साहित्य के हिंदी साहित्य के लोक साहित्य के या फिर ऑप्शन नंबर डी सब के तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लोक साहित्य के ठीक है अगली प्रश्न है दोस्तों कौन पर्व है डांगर कर पूजा और सेवा करल जा है। करम पर्व सोहराई पर्व पुष्प पर्व या फिर दसईं पर्व तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन तो तो नंबर बी सोहराई पर्व ठीक है सोहराई पर्व है डांगर गुरु कर जा है सेवा कर अच्छे से नहाल धोल जाए और उनके के सजावल जाए है, ठीक है अगली प्रश्न है गोटे झारखंड आदिवासी और मूलवासी भाई बहन कर प्रेम कर पर्व है सरहुल तीज करम या फिर जितिया तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करम पर्व ठीक हो अगली प्रश्न पूछा गया था पंचम आ, पाभज भायक एको आंगन बुझवल कर अर्थ पांच भायक एगो आंगन हाथ हथेली गोर या फिर एकर में कोई नहीं तो इसका सही आंसर दोस्तों यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हथेली ठीक है पांच भायक एके आंगन अगली प्रश्न खोटा है खोटाई महावरा के कौन नाम से जानेल जाए अहना डोमकज दुयो या फिर एकर में कोई नहीं तो, तो, तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अहना ठीक है अगली प्रश्न है आसना पातक दसना डैश पातक दोना खाली ठावे सही शब्द के भर के पूरा करें कोयरा पातक परास पातक आम पातक तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोयरा पातक दोना ठीक है आसना पातक दसना कोयरा पातक दोना अगली प्रश्न है खोठा मुहावरा आचार तरह रह कर अर्थ हवे है ऑप्शन नंबर बी माइकर दुलारू अगले प्रश्न है खोटाएं मुहावरा डहल विकल करे कर अर्थ हवे हवे कि निफिकिर रहे दुयो एकर में कोई नहीं इसका काम 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 तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है व्याकुल हवे ठीक है अगले प्रश्न है गुड़ माटी करे मुहावरा अर्थ हवे हैं काम बिगाड़े काम बनावे काम घटावे काम बढ़ावे तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है काम बेढ़ावे ठीक है बुझवल, हाड़े रोवा कर अर्थ हवे है तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आम हो जाएगा ठीक है चामचिकल हड़ेरोवा तो इन सब याद रखे हो कि चामचिकल रोवा मतलब आम पानुरी जी जन्म कौन साल हल उन्नीस सौ चालीस उन्नीस सौ तीस उन्नीस सौ बीस उन्नीस सौ दस तो एक सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उन्नीस सौ बीस ईस्वी ठीक है अगली प्रश्न है दोस्तों खोटाएं मेघदूत कर अनुवाद के करल हथ श्रीनिवास पानूरी पद्मदास डॉक्टर ए के झा एक में कोई नहीं तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास पानूरी जी ठीक है मेघदूत काव्य कर मूल रचनाकार के हथे है ऑप्शन नंबर ए रामदास ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास पानूरी ऑप्शन नंबर डी कालीदास तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कालीदास ठीक है अगली प्रश्न है उद्वासल कर्ण नाटक जी पानुर जी कर प्रमुख रचना हाथ कर्ण कौन महाकाव्य पात्र है पुराण रामायण महाभारत या फिर आपका नारद पुराण तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न कह सकते हैं इसको हम लोग कर्ण जो है आपका महाभारत के पात्र हैं ठीक है थीक? याद रखना है उद्वासल कर्ण के माने हवे हैं अपेक्षित कर्ण हिगरावल कर्ण दुयो या फिर एक में कोई ना इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अपेक्षित कर्ण ठीक है मौसम विज्ञान का रूपे केकरा कौन विद्वान कल जानल जा है चित्रंजन महतो डॉक्टर ए के झा चतुर्भुज झा या फिर डॉक्टर गजाधर महतो तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर ए के झा ठीक है इसको हम लोग उपनाम इनको हम लोग झारपात के नाम से भी जानते हैं ठीक है ए के झा जा जी को झारपात उपनाम से भी जानते हैं कौन साहित्यकार झारपात का उपनाम से प्रदर्शित है देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है तो यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर ए के झा ठीक है अगली प्रश्न है खोटा उपन्यास उपन्यासद सरगट के रचनाकार हथ तो, तो इन सबके बतावे आंसर की है जी तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर ए के झाई जाए हो जाएंगे ठीक है मानिक उपनाम से कौन साहित्यकार जानल जाए दिनेश कुमार प्रदीप कुमार शिवनाथ परमाणिक या फिर गोविंद महतो देखिए दोस्तों शिवनाथ परमाणिक जी जो है इनको मानिक उपनाम से जाना जाता है ठीक है आप लोग याद कैसे रखिएगा परमाणिक जो है ना इनका सरनेम है तो इनको परमाणिक के बाद जब पर छोड़ दीजिए मानिक याद रखिएगा ठीक है तो इससे आप लोगों का दोनों ही याद रह जाएगा परमाणिक जो है इनका सरनेम है और मानिक जो है इनका आपका ऐसे उप, उपनाम भी इनको कह सकते हैं ठीक है उपनाम जो है उनका मानिक है ठीक है खोटा उपन्यासकार भगजोगनी के रचनाकार हथ श्रीनिवास पानोरी जी विश्वनाथ दसोंदी जी गजाधर महतो जी ये सब है तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ दसौंधी जी ठीक है इनका उपनाम जो है राज है ठीक है याद रख लीजिएगा विश्वनाथ का उपनाम जो है राज अगली प्रश्न है दसौंधी जी का जन्म झारखंड के कौन जिला हेल हल बोकारो धनबाद रामगढ़ या फिर करोरमा तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी धनबाद जिला है ठीक है भगजोगनी उपन्यास कई गो अध्याय है दस गो बारह गो तेरह गो या फिर सोलह गो तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सोलह को ठीक है भगजोगनी उपन्यास कर मुख्य नायिका कर मायक नाम है तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मंगरी हो जाएगा ठीक है अगली प्रश्न पूछा गया था छोटनागपुर नैनीताल नेता निबंध कर रचनाकार हथ तो आप सबको बताना है कि छोटनागपुर नैनीताल नेता निबंध जो है उसका रचनाकार कौन है ठीक है तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी एन औदार जो है ठीक ना इनका रचनाकार है खोटा नाटक डा के रचनाकार कौन है तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है सुकुमार जी हो जाएगा ठीक है अगले प्रश्न पूछा गया था सुकुमार जी का पूरा नाम है ठीक है तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सुरेश कुमार विश्वकर्मा ठीक है सुरेश कुमार विश्वकर्मा जो है सुकुमार जी का पूरा नाम है ठीक है अगले प्रश्न है खोटा नाटक डा कर प्रकाशन बच्च बच्छर कहिया भेल रहे हैं तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दो ठीक है अगली प्रश्न है भगजोगनी उपन्यास कर प्रकाशन कहिया तो इसका भी सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2004 हो जाएगा ठीक है अगली प्रश्न है दोस्तों सोन माटी का रचनाकार हत तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर विनोद कुमार जी ठीक है डॉक्टर विनोद कुमार जी जो है सोन माटी के रचनाकार है ठीक रचना है अगली प्रश्न है सोन माटी का प्रकाशन कहिया उन्नीस सौ नब्बे पंचानवे दो हज़ार या फिर दो हज़ार पाँच इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उन्नीस सौ नब्बे ठीक है अगली प्रश्न है एकर में कौन रचनाटा बी एन औहदार के लागे फरीज डहर खटरस खोटा निबंध या फिर कविता पुराण तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी खोटा निबंध ठीक है सही जोड़े के मिलान करा मेघजूत पानोरी जी सैर सरगट डॉक्टर ए के झा अजगर दसौंधी ऑप्शन नंबर डी ई सब है तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ई सब है ठीक है देखिए मेघदूत जो है पारो जी का रचना है सर सरगर डॉक्टर ए के झा जी का है आपका अजगर जो है दसौंधी जी का है ठीक है तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है अगली प्रश्न पूछा गया था एकर में कौन रचना था दसौंधी कर ना लागे तो, तो, तो इन सबके बतावे कहो कि एकर में कौन रचना था दसौंधी जी कर ना लागे जिंदगी टोंक खोटा दर्पण कविता पुराण या फिर एकर में सभे। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकर में सभे जो है एक भी जो है या उनका नहीं है ठीक है अगली प्रश्न पूछा गया था एकर में गलत जोड़े के मिलान करा अजगर दसौंधी ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर ए के झा मेका मेकी न मेटा मेटी ऑप्शन नंबर सी डा सुकुमार ऑप्शन नंबर डी दामोदरक कोरा संतोष कुमार महतो तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दामोदर कोरा जो है नहीं होगा ठीक है अगले प्रश्न पूछा गया था कौन रचना निबंध कौन रचना शिवनाथ परमाणिक कर लागे ठीक है रुसल पुटूस फरिज डहर पुटूस फूल सावंती तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है रुसल पुटूस ठीक है खोटा लोकगीत संग्रह केकर रचना कर लागे केकर रचना लागे डॉक्टर ए के श्याम सुंदर महतो पंचम महतो एकर में कोई ना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों तो, ऑप्शन नंबर बी श्याम सुंदर महतो ठीक है अगली प्रश्न पूछा गया था प्रबंध काव्य मुकितक डहर के रचनाकार के हाथ बासु बिहारी पंचम महतो सुकुमार जी या फिर आपका श्याम सुंदर महतो तो इसका सही आंसर दोस्तों तो, ऑप्शन नंबर डी श्याम सुंदर महतो ठीक है अगले प्रश्न है दोस्तों डॉक्टर ए के झा कर पूरा नाम लागे अजित कुमार झा अमित कुमार झा अनिल कुमार झा एक में कोई नहीं तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अजित कुमार झा अगली प्रश्न है दोस्तों कविता संग्रह बाल किरण कहकर रचना लागे विनोद कुमार सुकुमार जी श्रीनिवास पानुरी या फिर धनपत महतो तो उसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास पानुरी जी ठीक है अगली प्रश्न पूछा गया था खोटा में डाक अर्थ किए हुए है तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ईर्षा तो देखिये दोस्तों ये थी हमारी एक प्रश्न जो कि आपका झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2017 में पूछा गया था दोस्तों प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं कहीं बाहर से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं आपका खोठा का सिलेबस बहुत छोटा है तो उस हिसाब से आप लोग अगर अभी बहुत टाइम है अगर एक बार भी पढ़ लीजिएगा तो खोठा में आप लोगों का मैं दावे के साथ कह सकता हूँ नब्बे से पंचानवे को आप लोग, आप लोग आराम से बना सकते हैं ठीक है तो जो हार दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं ठीक है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती हो दोस्तों तो वीडियो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है दोस्तों मेरे पास ना बोर्ड है ना कुछ है मैं ऐसे ही पी बना करके वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि मेरा भी रिविज़न हो जाए और आप सबके साथ भी मैं जो है शेयर कर सकूँ ठीक है तो अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें जोहार धन्यवाद बाय बाय टेक केयर